जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुधवार को एक बस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मंडी और पुंछ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के साथ स्थानीय लोगों ने बस में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 5 लोगों को जिला अस्पताल से जम्मू के GMC हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया है। ग्वालियर में बुधवार को पुलिस और जूनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। यह हालात जूनियर डॉक्टर द्वारा CSP के साथ की गई अभद्रता के बाद बने। मंगलवार रात को सड़क पर कार में बैठकर शराब पी रहे जूनियर डॉक्टर को जब CSP ने रोका तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर टायर पंचर कर दिया। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया और उनके गनर से मारपीट भी की। मस्कट एयरपोर्ट पर बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट LX-442 के एक इंजन में आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब फ्लाइट कोचीन के लिए टेक ऑफ करने वाली ही थी। धुआं पूरी फ्लाइट में भर गया। बाद में फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 147 लोग सवार थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण और पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों में 3 इंच तक बरसात हुई है। प्रदेश में 13 सितंबर तक 34% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगले 2 दिन के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार 14 सितंबर को गिरावट रही। सेंसेक्स 224 अंक की गिरावट के साथ 60,346 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंकों के उछाल के साथ 18,003 के स्तर पर बंद हुआ।